सो so, यहाँ पे हम आईलेट रूल को यूज करेंगे सो आईलेट रूल क्या होता है हमारा अब यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल तो बाद में तो एक्सपोनेंशियल यहाँ पे भी बाद में तो ये सेकंड फंक्शन ले लेंगे हम इसको और ये तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे अब हमें पता है यू इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होता है अगर यू हमारा फर्स्ट फंक्शन वी हमारा सेकेंड फंक्शन है इसको हम ले सकते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन अगर हम इसको डीएक्स के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर रहे हैं हम इंटीग्रेट कर ले तो यहाँ पे वी इंटू आ जाएगा और यहाँ पे आ डी बाई डी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और इस पूरे का क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा सो ये हमारा फॉर्मूला होता है सो so, अब यहाँ पे सिंपली हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो so, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्स इंटू की पावर माइनस एक्स गिवन है अब यहां पे हमें पता है e माइनस एक्स तो सेकंड फंक्शन और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है सो so, इसको कैसे ले सकते हैं फर्स्ट फंक्शन इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और इस पूरे क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा सो so, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स का क्या माइनस वन तो यहाँ पे डिवाइड बाई माइनस वन आ जाएगा माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टू एक्स प्लस में वन एन टू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन एन टू डी एक्स सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ ए की पावर माइनस एक्स इन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा ए e की पावर माइनस एक्स इंटू टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स अब यहाँ पे हम सेम रूल लगाएंगे तो यहाँ पे ए e की पावर एक्स माइनस एक्स सेकेंड फंक्शन हो जाएगी ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा सो यह so, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस ए e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और यहाँ पे आ जाएगा प्लस और यहाँ पे हम ले सकते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन माइनस डिफरेंशियन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो यहाँ पे आ डिफरें टू और वन उसका डिफरेंसिएशन जीरो हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन इंटू डी एक्स और प्लस में कॉन्सटेंट क्या आ जाएगा सी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हम ले सकते हैं माइनस ए e की पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इंटू ए की पावर माइनस एक्स और ये कितना आ प्लस में टू कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और ए e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ए की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन और प्लस में कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा सो तो यहाँ से हम एक काम करते हैं माइनस की पावर माइनस एक्स को कॉमन आउट ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में टू एक्स

आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर